जी आज इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंटर पार्टी इलेक्शंस मुनक़द कराए हैं। पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात जो आईन और कानून पर मुकम्मल यकीन रखती है और उसकी पासदारी करती है, तो इतने कटन के माहौल में भी आप देख रहे हैं कि हमने इलेक्शंस मुनक़द करा लिए हैं और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बैठ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है और इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क के हर सूबाई और कौमी असम्बली पर इलेक्शन लड़ेगी, जीत कर दिखाएगी, मुल्क को आगे लेके जाएगी। खान साहब ने इस मुल्क के निज़ाम को एक वाज़ह पैगाम दिया है कि वो मोरसी सियासत पर यकीन नहीं रखते और वो पाकिस्तान के कॉम्पिटेंट नीट एंड क्लीन लोगों को आगे लाकर इस निज़ाम इस दलदल से निकालना चाहते हैं और इस निज़ाम को बदलना चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस मरतबा वकला को टिकट्स मिलेंगे और एक हेवी कोटा खान साहब ने अलॉट कर दिया है जिसपे वकला सूबाई और नेशनल हलकों पे इलेक्शंस लड़ेंगे। इसके अलावा हम इलेक्शन की हिफाजत भी करेंगे और इलेक्शन के रिजल्ट लेकर उसके इंश्योर भी कराएंगे। खान साहब अंदर हो या बाहर हो, पाकिस्तान के हर दिल में इमरान खान है और खैबर पख्तूनख्वा जो हर दिन में 6 से 7 से करा रही है वो इस बात की अकासी है कि पाकिस्तान की आवाम इमरान खान के साथ करी है। आज कोई रुकावट उन्हें नहीं कि आज उन्होंने हमें सिक्योरिटी दी है पहली मर्तबा, लेकिन वो इसलिए भी है कि आप बहुत से वकला यहाँ पे देख रहे हैं जो इंटरनल हमारी सेफ्टी दे रहे थे और वो बाहर हमारी सेफ्टी दे रहे थे।